नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा गांव। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक ऐसी विधानसभा सीट की जो अपने आप में उत्तराखंड में बेहद खास है। खास तो रही लेकिन पिछड़ी भी रही। मेरा गांव मेरा देश वो कार्यक्रम जिसके जरिए हम गांव के जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। उन तमाम विधानसभाओं का दौरा एक किस्म से हम कर रहे हैं जहां पर विकास के दावों के इतर गांव की तस्वीर धुंधली दिखाई देती है। सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं उन जनप्रतिनिधियों से जो गांव के बाशिंदे होते हैं। गांव के बाशिंदों से ही जानते हैं कि गांव की असल तस्वीर क्या है और इन्हीं तस्वीर के भीतर उन दावों की हकीकत को टटोलने की कोशिश होती है जिसमें विकास की चकाचौंध तस्वीर दिखाने की कोशिश हुक्मरान करते हैं। आज एक ऐसी ही विधानसभा आपको लेकर चलेंगे और वो विधानसभा है सितारगंज। सितारगंज विधानसभा सीट का इतिहास अपने आप में बेहद दिलचस्प है, लेकिन सितारगंज सीट आखिरकार क्यों, ये भी अपने आप में सवाल है। दरअसल इस कार्यक्रम को जब हमने शुरू किया था तो इसके पीछे एक मकसद बिल्कुल साफ था। मकसद ये था कि जो हुक्मरान शहर की चकाचौंध को विकास का आईना बताते हैं, गांव में जाकर वो विकास की तस्वीर धुंधली हो जाती है। जैसे कि हम कोटद्वार गए, हरक सिंह रावत की सीट मंत्री जी की, वहां हालात बद से बदतर। श्रीनगर, पौड़ी, खटीमा, यहां तक कि चौबट्टा खाल, ये तमाम विधानसभा हैं नरेंद्रनगर जहां पर मंत्री खुद चुनाव जीत कर आते हैं, विधायक से मंत्री बनते हैं, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का हाल बेहाल है। अब आप कहेंगे कि सितारगंज क्यों, ना तो ये किसी मंत्री की सीट है और ना ही किसी ऐसे चेहरे की सीट जिसके आधार पर चर्चा की जाए। तो इस सवाल का जवाब यह है कि सीट इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यह सीट सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगणा की कभी यह सीट हुआ करती थी जो उन्होंने अपने बेटे सौरभ बोगणा के सपुत्र कर दी। याद कीजिए वो दौर जब 2012 के चुनाव खत्म हुए, चेहरा विजय बोगणा को चुना गया, लेकिन सवाल यह था कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। किरण मंडल ने सीट छोड़ी, बागी हुए और विजय बोगणा को वो सीट सौंप दी। विजय बोगणा ने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद वक्त एक बार फिर से आया चुनाव का, तो उन्होंने इस बार इस सीट पर अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन क्या वो विकास कर पाए सितारगंज का, ये अपने आप में एक सवाल है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तेजेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है सितारगंज से। साथ ही साथ गिरीश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है सितारगंज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा ऑडियो आ रहा है गिरीश जी? हाँ, आवाज आ रही है जी। तेजेंद्र जी, आपको भी मेरा ऑडियो आ रहा है? धन्यवाद, आवाज आ रही है जी। तेजेंद्र जी और गिरीश जी, आप दोनों का स्वागत है और इसी शुभकामना के साथ और इसी कार्यक्रम को जो करने का मकसद है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, ताकि आप लोग हमारे खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम में। इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ है कि जो दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है उसको हम टटोल लें, क्योंकि विधायक, नेता, मंत्री, प्रवक्ता तो दावे करते हैं लेकिन आप लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे हकीकत क्या है। तेजेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सितारगंज के जरा हालात बताइए, क्या मिजाज है सितारगंज का? सितारगंज का हालचाल बढ़िया है। जो यहां पर अभी तक विधायक हैं ये बाहरी विधायक हैं, क्योंकि यहां पर स्थानीय व्यक्ति को लोग विधायक बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए जो है। और दूसरा, जो वर्तमान विधायक हैं इनका जो इनकी आधारशिला है वही करप्शन पर ही डिपेंड है, क्योंकि वो पहले से ही वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहे तो वहां भी इस्तीफा लेके आ गए, फिर यहाँ खरीद फरोख करके मुख्यमंत्री बन गए, फिर अपनी किसी धन बल बाहुबल के आधार पर लड़के को प्रतिस्थापित किया और अब केवल केवल वो अपना अर्जनोपार्जन, अपना विकास के अलावा जनता के विकास से बहुत दूर, कोसों दूर है। अच्छा, मुझे तेजेंद्र जी, एक बात बताइए, सितारगंज का
नहीं नहीं, सितारगंज का इतिहास तो मैं जनता को बताऊंगा, लेकिन इससे यहाँ पर इन्होंने चीनी मिल है, चीनी मिल, किसान चीनी मिल, वो बेच दी, प्राइवेट हाथों में दे दी और उसका मैनेजमेंट सुनने में आया इन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिया है। पहले बेचा फिर खरीदा इस तरह, और वहाँ पर 700 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और 10,000 से अधिक परोक्ष रूप से जो लोग वहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे थे वो सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा, और जो सिटकुल में भी ज्यादातर जो सिटकुल में कर्मचारी काम करते थे सारे सिटकुल में कर्मचारी की छटनी हो गई है, बहुत सारे सिटकुल की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो ये त्राईमाम रोजगार में सितारगंज कर रहा है और सितारगंज अपने प्रायश्चित जो है वो उसको अपने उसका प्रायश्चित करना चाहता है और एक स्थानीय विधायक को, स्थानीय कैंडिडेट को समय चुनने के लिए आतुर है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा गिरीश तिवारी आपसे भी, कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं सितारगंज के जो इस वक्त आज भी समस्या बने हुए हैं, वो मुद्दे कौन कौन से हैं सितारगंज के? मुद्दे सबसे पहला रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर जो नारायण तिवारी जी पंडित जी ने जो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई थी वो सारी फैक्ट्रियां जा चुकी है और एक सरकारी उपक्रम केवल एक था वो भी इन्होंने इसका बिक्री कर दिया है। तो यहाँ सब बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है और जो यहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त है वो भी बड़ी इन्फ्लेटेड है, क्योंकि वो जो पहले उद्योगों को जमीन आवंटित थी वो जमीनों का भी जो है इस समय वो निष्क्रिय है, जमीनें खाली पड़ी हैं। एक कारागार था वहां पर बहुत सारी जमीनें थी, वो जमीनें भी सिटकुल में जिन कंपनियों को थी वो कंपनियां हैं नहीं और अब इस तरह के जो है यहाँ पर चरमराई हुई व्यवस्था है। सबसे बड़ा प्रधान है रोजगार। दूसरा चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर एक अस्पताल सरकारी अस्पताल है और महिला अस्पताल की भारी कमी है, ना यहाँ उपकरण है, केवल ये रेफर सेंटर बनकर रह गया है और इतना बड़ा सिटकुल वाला अर्थोत्पादन करने वाला उत्तराखंड का ये शहर इस समय जो है बदहाली की मार चिकित्सा के क्षेत्र में भी खेल रहा है। और अभी सड़कों का निर्माण भी यहाँ पर आजकल जो है इलेक्शन के समय सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वो भी अफरा तफरी केवल ऊपर ऊपर नहीं, मैं उसी पर आऊंगा गिरीश जी। पहले मैं सितारगंज की नहीं, आपकी बात सही है। अपना पर्सनल सर्वे करके भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं गिरीश जी, पर्सनल सर्वे क्या, मैं तो कार्यक्रम करके आया वहाँ पर किस्सा कुर्सी का और वहाँ पे लोगों की समस्याओं को हमने सुना, देखा आपने वो जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ। आए थे उस समय आपने भी देखी होगी कि वहाँ पर एक लोका गोटा में एक सत्येंद्र है, दलितों को किस तरह से दबाया, किस तरह से उसके साथ दुराचार। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं गिरीश जी, दलित विरोधी इस समय विधायक है, विधायकों का जो है वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पब्लिक जो है उसको भाग चुकी है और इस बार बहुत भारी मतों से, यहाँ तक कि मुझे तो यह लगता है कि मानसी जब्त होने वाली। गिरीश जी, अब जनता को तय करने दीजिए कौन हारेगा कौन जीतेगा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ की समस्या क्या है। तेजेंद्र जी, आप क्योंकि गिरीश जी ने बताया बेरोजगारी वहां की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो सिटकुल का मसला हो या फिर इसके साथ साथ मैं शक्ति फॉर्म का भी जिक्र करूंगा, समस्या बहुत बुरी हालत में सर। एक मिनट गिरीश जी, की चपेट में है और वहाँ इनको राजनीतिक सफेद पोषों का पूरा उनको जो है, गिरीश जी ऐसा नहीं हो पाएगा, गिरीश जी पूरा नशे में छाया हुआ है। आप कभी पता करिए, जो ये आजकल स्मैक मैक चल रहा है हर घर घर में है और ये इसमें सफेद पोषों का जो वर्तमान हैं ये राजनीतिक हैं लोग पार्टी के, तो इनका संरक्षण है और ये इसलिए उसको खत्म करना नहीं चाह रहे। क्या मेरी बात गिरीश जी से हो रही है? हाँ गिरीश जी बोल रहा हूँ। गिरीश जी मेरी दरख्वास्त है, मैं तेजेंद्र जी को कार्यक्रम में ले आऊँ। हाँ जी, मैं उनसे सवाल था। तेजेंद्र जी का ऑडियो उठाइए। तेजेंद्र जी, सितारगंज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, विजय बोगड़ा को विरासत में सीट मिल गई, ये सीट जो स्थानीय थे उन्होंने छोड़ दी मंडल जी ने और उन्होंने कहा कि स्थानीय का मुद्दा है और बाहरी का मुद्दा है। मैं अभी स्थानीय और बाहरी के मुद्दे में नहीं जाना चाह रहा, मैं सितारगंज के विकास के परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री ने उस सीट को ले लिया और उसके बाद उस पे कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? तेजेंद्र जी, सर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ, शून्य विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों को, विजय बोगड़ा जी ने सितारगंज की जनता, विधानसभा की जनता को भरोसा, लेकिन सितारगंज की जनता को चला है, छत्ता प्रयास किया है। सितारगंज में हॉस्पिटल केवल और केवल रेफर बन चुका है। यहाँ पे अगर कोई भी मरीज जाता है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे चिकित्सालय है जो काफी बड़े, में आज तक महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाई है, जिसमें तो बहन अवस्था में होती है, प्रेग्नेंट में होती है, तो अगर कार्य में जाती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है,
आपके नाम पे जिला कार्यालय उधम सिंह नगर नाम पे उन्हें रेफर करते रहता है। रेफर हॉस्पिटल क्या है सर, यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। विधायक कहते हैं कि मैंने रोडवेज बनाया, रोडवेज के नाम केवल और केवल यात्रियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। बस आती है दिल्ली जाने के लिए तो वो केवल बाहर से बाहर ही चले जा रही है, रोडवेज जा रही है। इतनी बुरी स्थिति, अभी सर ये मुख्यमंत्री जी आए थे और ये विधायक जी गए थे चीनी मिल में, जो पिछले वर्षों से काफी वर्ष बंद पड़ी हुई है चीनी मिल। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये चीनी मिल हो जाएगी, मगर कहीं से कहीं तक किसानों की ना तो कोई सुनवाई है ना आम जनता की सुनवाई। तेजेंद्र जी मेरी दरख्वास्त है, माइक थोड़ा अपने पास ले आइए ताकि आपकी आवाज हम क्लियर सुन पाए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। अरे अभी मुख्यमंत्री ने सर ये हवाई दौरा किया था चीनी मिल में, जो चीनी मिल काफी वर्षों से बंद पड़ी है। चुनावी तो ये चुनावी स्टंट जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला था मुख्यमंत्री जी के द्वारा और स्थानीय विधायक सौरभ बबड़ा जी ने, तो ये चुनावी स्टंट खेला था कि किसानों की जो चीनी, यानी आप ये कह रहे हैं कि सितारगंज चीनी मिल का जो मसला है वो भी एक बड़ा मसला है जिसको लेकर रोजगार को लेकर दावे किए गए थे। लेकिन एक बात गिरीश तिवारी जी, मैं क्योंकि कनेक्ट कर पाऊं तेजेंद्र जी से, कुछ समस्या आ रही है। हाँ सर, बोलिए सर। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था, एक शक्ति फॉर्म का भी तो मसला था जिस कारण किरण मंडल ने सीट छोड़ी थी, क्या मैं सही हूँ? शक्ति फार्म में जो किरण मंडल को खरीद के जो इन्होंने उनको धोखा देके चीटिंग करके कि आपको यहाँ राजस्व भूमि देंगे, आपका यहाँ पर विकास करेंगे, यहाँ पर आपकी सड़कें बनाएंगे और एक अस्पताल बनाएंगे, डिग्री महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे, बहुत सारी उनको जो है शक्ति फार्म के विकास का जो है ढांचा बताया और उनको बहुत झूठ बोल के चल खरीद करके उस आदमी को बरगलाया। बहुत सीधे विधायक थे और वो भी जो है लोगों के उनके कहने पर आ गए कि चलो अगर मेरी कुर्बानी देने के बाद अगर शक्ति फार्म का विकास होता है तो वो तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उसी समय आपदा से आए हुए थे तो आपदा में उन्होंने बहुत भारी भरकम रकम का बिना हिसाब किताब दिए वो यहाँ से चलता हो गए, तो उसका अब जो है पब्लिक जो है समझ चुकी है कि ये जो नहीं ये शक्ति फॉर्म वाला मसला सुलझा कि नहीं सुलझा वर्तमान विधायक का, ये पूरा परिवार यहाँ केवल बाहर से यहाँ लूट और खचोट मचाने के लिए आया हुआ है। इनको किसी न तो किसी दलित का दर्द है, न किसी पीड़ित का है, न किसी गरीब का है, इनका कोई सरोकार नहीं है। और खुलेआम कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा और यहाँ पर भारी जो है लोगों को धन वसूली की जाती है और यहाँ पर कोई किसी किस्म के जो है इनकी पब्लिक के लिए सहायक नहीं है ये शक्ति फार्म में। और दूसरा गिरीश जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, शक्ति फॉर्म का मसला सुलझा कि नहीं सुलझा? वो अपने पति अपने भाइयों को ड्रग में लिप्त देख के बड़ी त्रस्त है, बहुत बुरा हाल है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक विधायक जो है और पुलिस के इतने रहते हुए घर घर में ड्रग बिक रही है, तो क्या ये संभव है बिना उनके संरक्षण? तो मैं चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल इनका मकसद यहाँ पर आकर केवल पैसा कमाना है, धन कमाना है, कोई का कोई विकास से किसी गरीब गरीब से कोई सरोकार नहीं है। गिरीश जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, मेरा सवाल ये था कि शक्ति फॉर्म का मसला सुलझा या नहीं सुलझा अभी, मेरा सवाल ये नहीं था। शक्ति फार्म का मसला वहाँ कोई ऐसा मसला यही था कि वो धोखाधड़ी करके लोग यहाँ पर विधायक बने हैं, तो इसलिए जो है लोग समझ चुके हैं शक्ति फार्म के मामले में। अच्छा शक्ति फार्म का मसला नहीं सुलझा आप ये कह रहे हैं? नहीं शक्ति फार्म का मसला क्या, कोई इनको जो इन्होंने वादे किए थे शक्ति फार्म की जनता से वो वादे कहीं कोसों दूर हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि वहाँ की जनता को ठग कर अभी भी ये उनको थोड़ा सा प्रलोभन दे के इनको ये लगता है कि अभी भी मैं उनको थोड़ा सा उनको आर्थिक रूप से या फिर इस तरह के व्यसन वसन करा के हम वोट ले लेंगे, लेकिन वो सब समझ चुके हैं और ये इनका अब जो है इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अच्छा एक बात गिरीश जी मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं सितारगंज से, अब दाल गलनी है नहीं गलनी है, चुनाव में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जीतेंगे हारेंगे, मैं अभी उस विषय में नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मैं सड़कों के परिपेक्ष में बात करूं तो दावे तो उस वक्त भी किए गए थे 2012 में, 2012 से लेकर अब तक जो है 2022 आने वाला है, 2022 आ चुका, तो ऐसी स्थिति में कुछ सड़कों का कुछ जाल बिछा या नहीं बिछा, क्या हुआ सितारगंज में? सिर्फ सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके समय में जो काम हुआ था उसके बाद कोई भी ऐसा विशेष काम इन्होंने आने वाले इन्होंने नहीं किया, केवल लीपापोती की है। और सड़क साल भर में दो दो चार चार बार बनती है, दो दो चार चार बार बिगड़ती है। सिटकुल वाली सड़क का हाल तो आप अगर अगर आप बीच में भी आए थे देखा होगा आपने, वहां पर गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, इस बात का पता ही नहीं चलता था। तो वहां पर की तो हालत, सड़कों की तो हालत बहुत बदहाली है।
और अभी आजकल जो सड़कों के ऊपर ये सीमेंट का घोल लगाया जा रहा है या ये जो घोल लगाते हैं, अब ये देखिए चुनाव होते होते ये सब घोल गायब हो जाएंगे। ये मेरा, क्योंकि वहां पर जो है आधे जहां पर गड्ढा युक्त सड़क थी उस पर थोड़ा सा रेता वेता पड़ रहा है, बजरी वजरी डाल रहे हैं उसके ऊपर पानी का, उसका घोल डाला जा रहा है। कहां सड़कें पांच साल तक कोई सड़कों का काम नहीं हुआ, आजकल सड़कों की लिपापोती हो रही है यहाँ पर। कहां सड़कें खराब है, बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। पहले 40 मिनट में सितारगंज से हल्द्वानी की सड़कों में आदमी चला जाता था, अब 1.5 से 2 घंटा लगता है, इतनी हालत खराब है। लेकिन आजकल ये चुनाव के दृष्टि से वहां पर थोड़े से इसमें अभी जो है वो डाल रहे हैं मसाला, वो मसाला ये देखिए वो कितने दिन चलता है, केवल चुनावी दृष्टि से डाल रहे हैं मसाला। 5 साल में इन्होंने उस रोड को बढ़ा रखा जो इतना बड़ा सिटकुल का हल्द्वानी मिल्लिक मार्ग जिस पर इतनी पब्लिक चलती थी, डंपर चलते थे, सब चलते थे, उसके वो तो बदहाली के कगार पर है वो सड़क अभी भी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कुछ किया क्या विधायक जी ने, शिक्षा के क्षेत्र में सारी की शिक्षा जो है, जो छोटी छोटी जो दुकान ऑफिस शिक्षा के केंद्र खुले हैं उनके अलावा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, डिग्री कॉलेज में विषय नहीं है, कोई प्रयोगशालाएं नहीं है, कोई महिला डिग्री कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज्यादातर बच्चे आपको देखेंगे बसों में धक्के खाते हुए दिखेंगे और हल्द्वानी डिग्री कॉलेज और हल्द्वानी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है हायर एजुकेशन की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक जग जाहिर है। आप कहीं किसी से पता करिए, शिक्षा के मामले में सितारगंज आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां पर वो आज से 15 साल पहले खड़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई, जो जो डिग्री कॉलेज के भवन बने हैं आप थोड़ा सा देखिए वहां उन भवनों में जो भी शिक्षा हो रही है वो शिक्षा के जो विषय असली विषय है छात्रों को वो नहीं है, और छात्र के विषय है तो वो उनमें अध्यापक नहीं है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया नहीं विधायक जी ने। बहुत ज्यादा बदहाली है शिक्षा से, तो सबसे बुरा हाल है। और सारे बच्चे हल्द्वानी आप देखिए ये जो बसें चलती हैं डग्गा मार बसें, उन बसों में छतों में अभी भी आज के दिन भी कोरोना के समय में भी इतनी बदहाली से बच्चे जाते हैं, अब आप उसका खुद भी देख सकते हैं। तो शिक्षा का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये वादा किया गया था कि हम जो है यहाँ पर शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, और जो है वो डिग्री कॉलेज जो है हल्द्वानी में, मेरे ख्याल से हल्द्वानी डिग्री कॉलेज है, स्तर तो उन्होंने सुधारा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना स्तर जरूर संभाल लिया है। शिक्षा का स्तर तो 10 का 10 है, आप इसका उदाहरण देख लीजिए, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जो बसें सितारगंज से हल्द्वानी जाते हैं उन बसों का हाल, उसमें बच्चे चढ़ चढ़ के 2 से 2.5 घंटे में बस हल्द्वानी पहुंचती है और 2 से 2.5 घंटे में बच्चे वापस आते हैं, 5 या 6 घंटे में बच्चों का सफर 5-6 घंटे केवल केवल बस में ही बीतता है। इसका आप उदाहरण कभी भी किसी से कहीं जग जाहिर है कहीं भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो सितारगंज चीनी मिल वाला मसला है, हाँ, वो चीनी मिल खुल गई है कि अभी भी बंद है? चीनी मिल ये सिर्फ चुनावी वो था कि 20 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया सरकारी खाते से अमानत में खाना चुनाव लड़ने के लिए, वो 20 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से रिलीज करा के आनंद फानन में इलेक्शन की वजह से वो दोबारा से चलाई, प्राइवेट हाथों में दे दी और खुद उसको चलाने की इन्होंने जो है अपने लोगों को झूठ बोला, और अब ये सारा गन्ना वहां पड़ा हुआ है। कुछ आनंद फानन में कुछ खासकर वो पेमेंट कराई है उन्होंने, लेकिन ये दैनिक चुनाव आचार संहिता और उसके बाद का काम है। मुझे लगता है कि ये जो है ये फिर खटाई में पड़ने वाली है, और आजकल तो फिर मशीन खराब है, कभी कुछ खराब है, ये बहाना करके और चीनी मिल में अभी कासकार हाहाकार कर रहे हैं। कोई चीनी मिल में पिराई विराई नहीं हो रही है, कई बार वहां धरने प्रदर्शन कासकार कर चुके हैं, लेकिन ये जो है इनके कानों में जू नहीं रंग रही है। और ये चलती भी चीनी मिल जो है, जब उस समय जिस समय इन्होंने बंद की तो सरकार से केवल 2 या 3 करोड़ रुपए का बजट चाहिए था उसको, तो इन्होंने कहा सरकार ने बजट देने से मना कर दिया क्योंकि सरकार इन्हीं की थी तो इसलिए बजट उन्होंने दिया नहीं। और लेकिन अब जो है 20 करोड़ रुपए का बजट रिलीज हो गया और वो चीनी मिल में अभी भी आज भी जो है गन्ने का भुगतान हुआ कि नहीं, इन्होंने डकार लिए हैं कोई इनका जो है, और चीनी मिल जस की तक पुरानी हालत में है। गन्ने का भुगतान हुआ कि नहीं? गन्ने का भुगतान आनंद फानन में जो इधर का गन्ना, गन्ने का भुगतान इधर कुछ पेमेंट इनको कासकार को हुई है, लेकिन गन्ना पिराई नहीं हुई है, केवल भुगतान इसलिए किया है कि चुनाव में इनको जो है लोग कहें कि ये गन्ना हो, मूल समस्या तो वही पड़ी हुई है, कोई पिराई नहीं हो रही है। कुछ हिस्सा उनका गन्ने के भुगतान का कासकार बताते हैं कि हुआ है, लेकिन वो गन्ना वैसे ही पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, डम पड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादातर किसान अब जो है किसान चीनी मिल की ओर को रुक कर चुके हैं, उधर ही जा रहे हैं किसान चीनी मिल में। यहाँ पर गन्ना जो है बिल्कुल भी
सितारगंज में अब किसान दे ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीनी मिल अब आगे इसका भविष्य, जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये चीनी मिल का कोई भविष्य होने वाला नहीं, नहीं है। नहीं मैं सरकार रहेगी या नहीं रहेगी गिरीश जी, हम और उस पे जाएंगे। ये बात पूछना चाहते हैं ये जो अपने विधायक जी है या जो भी रूलिंग पार्टी वाले हैं कि ये स्पष्ट करें कि चीनी मिल को आखिर बंद करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, जब इतना बड़ा गन्ना क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है, इसका अपग्रेड करते, इसको और बढ़िया बनाते, इसको बेचने की आनंद फानंद में जरूरत क्यों पड़ गई, रातों रात बेच दी गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये इसका जवाब तो इनको देना ही चाहिए। अच्छा विजय बोगड़ा जी आते हैं कि नहीं आते वहाँ? अच्छा विजय बोगड़ा जी आते हैं कि नहीं आते गिरीश जी वहाँ? विजय बोगड़ा जी आते हैं कभी कभी? विजय बोगड़ा जी तो केवल वो महीने में मासांत में ही आते हैं, वो देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो ज्यादातर जो वो तो विधायक बाहर ही रहते हैं यहाँ से। अच्छा और कभी जो कभी लोग कहते हैं आज आ गए हैं, आ गए हैं, कभी सुबह मॉर्निंग वॉक में जब जाते होंगे तो लोग देखते होंगे तब बताते हैं लोग कभी भी आए हैं विधायक, और ज्यादातर तो विधायक क्योंकि अपने ज्यादा यहाँ से उनका कोई ज्यादा मतलब है नहीं। और जो विधायक हैं वो क्षेत्र में रहते हैं जो उनके सुपुत्र हैं? नहीं अभी तक क्या था इस सितारगंज जनपद का जो दुर्भाग्य रहा कि यहाँ लोकल में विधायक बना ही नहीं पाए कोई, लोकल के लोग ये लोग जब थके जाते रहे। इस बार पहली बार सितारगंज ने और शक्ति भारत क्षेत्र ने ये सोचा है कि हम लोग स्थानीय विधायक बनाएंगे, अब तक यही होता रहा, तब बाहर से आके विधायक विधानसभा चलाते थे यहाँ की। नहीं बाहरी तो फिर वो भी रहे, इसका मतलब जो कांग्रेस में थे शायद कांग्रेस तो हमेशा चली गई ना यहाँ पर, तो कांग्रेस का विधायक तो बहुत वर्षों से यहाँ पर नहीं है। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, नारायण पाल का भी जिक्र, नारायण पाल का भी जिक्र, जब बड़ा क्षेत्र था ये तब जाके उस समय थे विधायक यहाँ पर कांग्रेस के, बिहारी लाल थे और थे ये जब। नहीं नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था कि जो 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 आप बाहरी वाला जिक्र कर रहे हैं तो नारायण पाल भी तो वहीं से विधायक थे जो बीएसपी से थे, तो वो तो कांग्रेस में है ना, लेकिन वो भी उनका भी हल्द्वानी से उस समय निवास स्थान हल्द्वानी था, हल्द्वानी से अप डाउन थे करते थे। ओके तो आप तेजेंद्र जी भी शायद मेरे साथ जुड़े हुए, तेजेंद्र जी जुड़े हुए आप मेरे साथ? तेजेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तेजेंद्र सोनू जी, तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी तक ऑडियो नहीं आ रहा। लेकिन सितारगंज का मसला बेहद यहाँ पर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बात यहाँ पर बाहरी और स्थानीय की हो रही थी, तो जिस वक्त विजय बोगड़ा यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए आए थे तब उस वक्त किरण मंडल ने सीट को खाली किया था और वो बीजेपी से विधायक थे और किरण मंडल ने सीट खाली की और दावा किया गया कि सितारगंज का विकास होगा, लेकिन दावा हकीकत में कितना तब्दील हो पाया क्योंकि मसला डिग्री कॉलेज का है तो डिग्री कॉलेज नहीं, कॉलेज के इतर प्रोफेसर नहीं, रोजगार के मसले पर सिडकुल सवाल खड़े करता है, सवाल यह भी कि आखिरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया गया अब यह भी जानते हैं। गिरीश जी जरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताइए क्या कुछ हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अस्पताल है वो भी कोई प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है पीपी मोड में, और क्योंकि यहाँ जो अस्पताल है इसमें कोई मंदत हो, यहाँ कोई एक्सरे है ना मशीनें हैं ना कोई है, अगर मशीनें हैं तो चलाने वाला नहीं है, चलाने okay. वाला है तो सरकार। तेजेंद्र जी आप मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? डॉक्टरों को नियंत्रण रख सके वो सब रिफर कर देते हैं हल्द्वानी के लिए। तेजेंद्र जी महिला चिकित्सालय नहीं है, दो या तीन महिला चिकित्सक जरूर है लेकिन 12 बजे 2 बजे बाद वहाँ ताला पड़ जाता है, फिर उनको जब कोई पेशेंट सीरियस आता है तो ढूंढता फिरता है, ये मेरे सामने वाली बातें हैं। तो सितारगंज में स्वास्थ्य की बहुत बद हालत स्थिति है, केवल केवल रेफर सेंटर पर है वो निर्भर है, कुछ प्राइवेट दो चार हैं लेकिन वो भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पर। तेजेंद्र जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? तेजेंद्र सिंह क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं, आप जाइए 2 बजे बाद जाइए, आपको वार्ड बॉय भी नहीं मिलेगा, आप ये बुरी हालत है बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, तो 2 बजे के बाद तो साल बिल्कुल सुना सेंटर हो जाता है। तो कहाँ ये सुशीला तिवारी रेफर करते हैं क्या? कहाँ रेफर करते हैं? सारा सुशीला तिवारी को रेफर करते हैं, गरीब आदमी जो भी जाए सुशीला तिवारी हल्द्वानी। हल्द्वानी तो महिला डॉक्टर है कि नहीं वहाँ? महिला डॉक्टर बताते हैं 3 है, हमने बहुत कम देखी है लेकिन 2 बजे बाद वो भी गायब है, बीमारी का पता नहीं 2 बजे बाद आए या रात को आए कोई पता थोड़ी है बीमारी का। जो बाहर के जो मरीज हैं उनको ओपीडी में वहाँ पर भीड़ रहती है लेकिन 2 बजे के बाद सारे गायब हो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, और बड़ी अगर कोई जो अचानक कोई एक्सीडेंट कोई ऐसा केस आएगा तो
तो उसके लिए अगर कोई आ गए मिल गए वहां पर उपलब्ध हो गए ठीक है, नहीं तो सीधे रिफर हल्द्वानी, बस केवल रिफर सेंटर है, बहुत केवल रेफर सेंटर है अस्पताल। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीश जी आपका भी, तेजेंद्र जी आपका भी माफी चाहूंगा कि तकनीकी दिक्कत की वजह से मुझे मालूम भी नहीं था कि आप मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, मेरे सहयोगी ने मुझे बताया नहीं था कि आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े। तेजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था सितारगंज का हाल, सितारगंज का आलम, जहां पर डिग्री कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा यह जा रहा है कि रेफर सेंटर है, हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। सड़कों के परिप्रेक्ष्य में कहा यह जा रहा है कि सितारगंज से अगर हल्द्वानी आपको जाना है तो 2 घंटे तक का वक्त लगेगा, 1 से 2 घंटे तक का। सितारगंज चीनी मिल का कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौसम में प्राइवेट हाथों में सौंप दी गई और वहां पर गन्ने का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया अब तक कि चुनाव नजदीक है। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी सितारगंज में सुनाई दे रहा है, क्योंकि विजय बोगुणा बाहरी कहा गया, उनके बेटे को बाहरी कहा गया, अब यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जो थे विधायक वो भी बाहरी थे क्योंकि वो हल्द्वानी रहते थे। अब देखते हैं कि आखिरकार सितारगंज के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो दावे किए गए वो क्या वाकई खोखले साबित हुए, अब ये जनता ही तय करेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।